पर हनी से आधारित सभी नियमों का पालन किया गया और कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया। तो वीडियो को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। एक रीता नाम की लड़ी जो बहुत ही ज्यादा लालची और बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़ी थी और वो अपनी सास को भी खरी खोटी सुनाया करती थी। जो उसकी सास कुछ कर देती तभी उसकी अगर जब वो इधर उधर होती उसकी खुद का संतोष आती गैली आ जाती और उसे भला बुरा कहने लगती कि यहाँ पर तुम्हारा पाप करेगा, तुम्हारा वो है। तो उसकी सास बेचारी कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती, कहती कि आन दे मेरे बेटे को, मैं उसको तभी वो अच्छा बुरा भला कहती है और उसकी सास बेहोश हो जाती है। उसका लड़का भी देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, वो चुपचाप अपनी माँ का और जो उसकी माँ उसकी दादी के साथ कर रही थी वो ही देख रहा था और वो कुछ बच्चा होने के कारण कुछ न कह सका। उसकी माँ उसको उसकी दादी को भला बुरा कह रही थी और वो चुपचाप बेचारा देख रहा था। एक दिन हुआ ऐसे कि वो रो जा रही थी तभी उसके लड़के को एक चुड़ैल पकड़ लेती है और वे दोनों देखती रहती है। वो लड़का कहता है कि माँ बचाओ मुझे, माँ बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती और चुड़ैल कहती है जा तेरी माँ को कोई नहीं आएगा तुझको छुटाने, अब मैं तुझको खा जाऊंगी और साथ में ही तेरी माँ को भी खा जाऊंगी। तो वे देखती रहती है, चुड़ैल उसको लेकर चल देती है, वे दोनों डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उस रास्ते से एक और औरत आ रही थी, उसने तब देखा उसकी निगाह उन पर गई तो उन्होंने देखा वे दोनों नीचे बेहोश पड़ी थी। वो वहाँ पर रुके मचाने लगी, वहाँ पर उसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आया। तो इस कहानी से याद आ मिलता है कि